अच्छा, आपने ये देख लिया और कई दिनों से ये समझ भी रहे हैं कि चंद्रयान ऊपर गया है, वहाँ से खोज करेंगे, पता चलेगा, लेकिन चंद्रयान जैसे मुश्किल मिशन के पीछे कौन लोग होते हैं, कौन है वो वैज्ञानिक जो देश को छोड़कर नहीं जाते, कॉरपोरेट वर्ल्ड में महंगी नौकरियों के लिए मारामारी नहीं करते, देश सेवा के जज्बे के साथ इसरो जैसे पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं। चंद्रयान टीम के उन लोगों की बैक स्टोरी हमने पता करने की कोशिश की कि आखिर ये जिंदा दिल लोग हैं कौन, जिनको कोई बड़ा क्रेडिट नहीं मिलता, जिन्होंने दिल से, दिमाग से, मेहनत से, लगन से इस मिशन को पूरा किया। आज बेशक हम उनका नाम ले रहे हैं, लेकिन ये क्यों नहीं छाए रहते हैं, पता तो करें इनकी बैकग्राउंड क्या है। लैंडर मॉड्यूल आदरणीय प्रधानमंत्री जी नमस्कार। सर, वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून। इंडिया इज ऑन द मून। हिंदुस्तान के चंद्रयान की चर्चा घर घर में है, बातें उन लोगों की भी जो मिशन के लिए पर्दे के पीछे दिन रात मेहनत करते हैं, अंतरिक्ष विजय के सपने को साकार करने की तैयारी में हमेशा जुटे रहते हैं। नतीजा कैसा भी हो, लगन और मेहनत में कोई कमी नहीं। टीम चंद्रयान ऐसे ही लोगों की कहानी है। एक एक किरदार देश के लिए प्रेरणा है। यूपी के फिरोजाबाद का टिकरी गांव, यहां के हीरो का नाम तो है धर्मेंद्र, पर वह हैं इसरो के साइंटिस्ट। तस्वीरें देखिए, कितना जश्न का माहौल है। साफ तौर से हाथों में तिरंगा लेकर बच्चे हैं और जो धर्मेंद्र यादव के पिताजी हैं उन्हें माला पहनाकर गांव वाले लोग स्वागत कर रहे हैं, मिठाइयां खिलाई जा रही हैं। तो इस तरह की तस्वीरें आप देखिए। ये धर्मेंद्र यादव जो इसरो में साइंटिस्ट है, जिनकी काफी अहम भूमिका थी चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में, और वो पल पल हर एक सिग्नल की निगरानी रख रहे थे। फिरोजाबाद के रहने वाले धर्मेंद्र यादव इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सीनियर साइंटिस्ट हैं और चंद्रयान 3 लॉन्चिंग टीम का हिस्सा भी। चंद्रयान तक इसरो सेंटर में सिग्नल कैसे पहुंचे? हमको बहुत खुशी हो रही है और बहुत गर्व महसूस हो रहा है। इसरो के वैज्ञानिकों पर हमको बहुत भारी गर्व है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ उसी समय मेरे को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा इस टीम में शामिल है, तो मुझे को बहुत गर्व महसूस हुआ। साधारण परिवार, सिंपल बैकग्राउंड धर्मेंद्र की पढ़ाई में रुकावट नहीं बना। परिवार ने बेटे की लगन देखी, खुलकर सपोर्ट किया। फिरोजाबाद से इंटर के बाद बीटेक में दाखिला लिया। साइंटिस्ट बनने की प्रेरणा मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम से मिली। धर्मेंद्र जब बीटेक कर रहे थे तब उनसे मुलाकात हुई थी। कलाम साहब ने कहा कि सभी इंजीनियर बनते हैं लेकिन साइंटिस्ट कम लोग बनते हैं। धर्मेंद्र ने इन्हीं बातों को जिंदगी में मकसद बना लिया। और हमारे गांव का भी नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन हो रहा है। अभी तक हमारे गांव को कोई जानता नहीं था, जब से भाई गए इसरो में, जब से गए हैं तब से हमारे गांव का और क्षेत्र का और फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन हो रहा है। धर्मेंद्र जैसा ही परिवार गया के रहने वाले सुधांशु कुमार का है। पिता आटा मिल चलाते हैं, घर में ही है, मगर घर के बाहर पिता के नाम के साथ बेटे की नेम प्लेट लगी है। जमीन से जुड़ा लड़का आसमान फतह करने निकल गया, पिता को फक्र है। जो बेटा बचपन में आटा मिल की गड़बड़ियों को ठीक करता था, नट बोल्ट टाइट करता था, ऑयलिंग करता था, वो इसरो में वैज्ञानिक बन गया। जो प्रतिभा है वो बचपन से ही उसमें दिखाई पड़ता था। किसी भी काम के प्रति वो जुझारू रहता था और वो किसी भी काम को करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता था। वो आपके साथ भी हाथ मिलाता था? हाँ, मिल में भी जो हम चलाते थे, किसी तरह का कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता था वो दिमाग से बोलता था कि नहीं पापा ऐसा कर दीजिए सही हो जाएगा, और वो वैसा फिर करते थे तो सही हो जाता था। सितंबर 2021 में सुधांशु ने इसरो में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। सुधांशु कुमार की पोस्टिंग श्रीहरिकोटा वाले इसरो सेंटर में है। चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट बनाने की टीम में सुधांशु शामिल है। लॉन्च व्हीकल बनाने में कुल 30 लोगों की टीम थी, जिसमें तीसरे सीनियर वैज्ञानिक रहे। सैटेलाइट को ऑर्बिट तक पहुंचाने का काम लॉन्च व्हीकल द्वारा किया जाता है। पहले उसको हम कहते थे, IIT में भी वो सिलेक्शन हुआ था,
लेकिन थोड़ा सा रैंक कम था इसलिए NIT में एडमिशन लिया। उस समय भी कहते थे कि थोड़ा और मेहनत करो बेटा कि TV पर सब परिवार के दिखाई हो। यूपी के इटावा में साड़ी की दुकान अब टॉकिंग पॉइंट बन चुकी है। पिता को बेटे पर नाज है, हो भी क्यों ना, चंद्रयान की टीम का हिस्सा जो है। बसरेहर कस्बे में हर कोई अंकुर गुप्ता की बात करता है। बच्चे तो कहते हैं कि बड़ा होकर अंकुर भैया जैसा इसरो साइंटिस्ट बनना है। इस टाइम हम भी एक स्टूडेंट है, उनसे एक प्रेरणा मिलती है कि किस टाइप से किस लाइन में जाना चाहिए हम लोगों को, आगे चल के हम लोग भी ये सब कर सके। हमारी बात अंकुर के भाई से भी हुई जो दुकान चलाने में पिता का हाथ बटाते हैं। बड़े भाई ने भी बताया अंकुर शुरुआत से ही ब्राइट स्टूडेंट था, टॉपर रहा, साइंटिस्ट बनने की जिद ने इसरो पहुंचा दिया। अंकुर गुप्ता पहले इसरो के मिशन मंगलयान से भी जुड़े रहे, अब चंद्रयान 3 की स्ट्रक्चर टीम में शामिल हैं। कलाम साहब कहते थे सपने वो नहीं जो आप नींद में देखें, सपना वो होता है जो आपको सोने नहीं देता। छोटे शहर कस्बों से आए हमारे वैज्ञानिकों ने भी खुली आंखों से सपने देखे और देखिए उनकी उड़ान के सामने अंतरिक्ष भी कम है। औलाद जब अच्छा काम करती है ना, माँ बाप का सीना वैसे ही फूल जाता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट TV पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।